Western, Midwestern. Today I am going to start the first chapter from the geography from class 9. The name of this chapter is India, Location and Size. Actually this is the short chapter. In this chapter only mention that on what the position of India. Now you can say according to the latitude and according to the longitude. So before start the one, we have to discuss the term is here longitude, latitude and hemisphere. Student, just your this is the longitude. Longitude and latitude both are imaginary length. Imagine, okay? And student, this one is the model of the earth, okay? And we can say that the earth is in geoid shape, like as a orange, not a circle, like as a orange, okay? The geoid shape, and these are the longitude. These are longitude. All longitude lines are not equal each other, okay? But in case of latitudes, all lines are parallel and equal each other. है ना, इसको हम ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि longitude जो है ना वो ये northern जो southern point से हमारे touch कर रहा है ना 0 degree है ना, ऐसे तरह से करके जो क्या कर रहा है वो northern hemisphere से southern hemisphere को touch कर रहा है, और एक हमारी imaginary line है, और ये हर एक line जो है का distance एक दूसरे से equal नहीं है, है ना? लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो latitude है ना स्टूडेंट, वो latitude जो हमारा 0 degree से ऊपर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे का साउथर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाएगा। तो हर ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल होता है, और हर किसी के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है ना वो कितना होता है आपका 111 किलोमीटर, मीन्स क्या कि 1 degree इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बोल रहा है क्या कि एक लाइन से जो दूसरे लाइन से जाने में कितना आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है 100, मीन्स एक दूसरे लाइन का जो डिस्टेंस जो है ना, एक दूसरे लाइन का जो डिस्टेंस जो है वो आपका कितना दिया गया है, ये लाइन जो है ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका 111 किलोमीटर है ना। अब हम इस मैप में देखते हैं क्या ना, ये हमारा स्टूडेंट हेमिस्फीयर है, मीन्स क्या अगर आपको बोल दी जाए कि इसको एक स्फीयर है उसको जो है ना हाफ पार्ट कर दिया जाए, तो कह रहे ना कि ये हमारा ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे से अलग है ना, तो एक हमारा हेमिस्फीयर कहलाता है ये। तो ये बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट। अगर आपसे अगर मैप के अनुसार हम लोग देखें तो जो आपका 0 degree जो है ना, ये 0 degree जो ग्रीनविच टाइम होता है, इसके इधर के जितने सारे जो आपका राइट साइड जितना होता है वो हमारा ईस्ट साइड कहलाता है, और 0 degree का वेस्ट आपका क्या कहलाता है हमारा, 0 degree का जो लेफ्ट है आपका वेस्ट कहलाता है। और ये कहाँ तक, ये आइडियल तक इंटरनेशनल डेट लाइन की तरह है ना, और ये जो है हमारा कहाँ तक आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन की है ना, यहाँ तक जो है आपका ईस्ट है, यहाँ तक जो है हमारा एक वेस्ट है। अब ये बात बोल रहे हैं क्या कि इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लैटिट्यूड एक्सटेंड बिटवीन 8 degree 4 minute, यहाँ मिनट का सेंस क्या है, 0 degree से जो दूसरी लाइन का जो आपका जो डिस्टेंस है, पहले ना इन हम लोग जब स्केल से मेजर करते थे सेंटीमीटर मीटर, तो उसी तरह से कि मेजरमेंट के लिए दिया हुआ है हमारा, हम लोगों ने मिनट ये आपका यूज किया है, तो 8 degree 4 जो है हमारा वो मिनट है ना, ये इसको मिनट बोलते हैं। नॉर्थ एंड 37 degree 6 minute नॉर्थ, तो ये आपसे बोला कि सर कि यहाँ पर नॉर्थ आप क्यों दे रहे हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लैटिट्यूड का, तो लैटिट्यूड ये हो रहा होगा, तो अब बेसिकली आपके माइंड में लग रहा है कि ये तो आपका लैट, ये तो आपका क्या है लैटिट्यूड होना चाहिए, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंडिया की जो पोजिशन है ना हमारा वर्ल्ड मैप में अनुसार हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया की जो पोजिशन हमारा एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए हम लोगों ने लिखा 8 degree 4 minute टू 37 degree 6 minute नॉर्थ, मीन्स क्या कि ये पोजिशन ये हमारा 8 degree 4 minute, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हमारा ये है वो 37 degree 6
नॉर्थ है। मैं डिस्टेंस नहीं बता रहा स्टूडेंट, डिस्टेंस हमारा ये है ना, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका कितना है 3214 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है आपका 2933 किलोमीटर, है ना, ये डिस्टेंसेस है। तो बोल रहे कि लग जब लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं, बोल रहा कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 20 मिनट ईस्ट, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25। अगर हम लोग स्टूडेंट लॉन्गिट्यूडनल के अनुसार देखते हैं कि इस पोजीशन के अनुसार, है ना, कि हमारा इंडिया जो है वो किस पोजीशन पर है, तो बोल रहा कि यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लेकर के इधर आपका क्या बोल रहा है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। मीन्स क्या, मैं केवल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, है ना, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि वेस्ट साइड चला गया, ये हमारा किसका बोल रहे हैं, ये इंडिया हमारा इस साइड में है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इस साइड में है, इसलिए हमने 68 डिग्री 7 मिनट हमने ईस्ट ही रखा, और आपका इधर जो है आपका कितना 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट ही रखा, है ना। हम इंडिया के डायरेक्शन के अनुसार नहीं बताएंगे कि ये वेस्ट में चला गया, ये ईस्ट में चला गया, हम वर्ल्ड के मैप के अनुसार देखेंगे कि इंडिया की पोजिशन जो है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजिशन हमारा क्या है, है ना। जैसा कि हम देखते हैं स्टूडेंट कि ये हमारा एक जीरो डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर आपका टॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे आपका 20 आपका टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये क्वेश्चन अराइज होता है कि टॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट को जो है पास करते हैं, 8 स्टेट्स, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसको हम लोग मैप के अनुसार भी हम लोग स्टूडेंट देखेंगे। ओके स्टूडेंट, एक्चुअली में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे ना क्या कि ये आपका जो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 जो है आपका नॉर्थ है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये कैंसर, ये हमारा 0 डिग्री है, 0 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री के नीचे जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कितने स्टेट से पास करते हैं आपका, 8 स्टेट्स, कौन कौन सा स्टेट है जरा देख लो ध्यान से स्टूडेंट, इंडिया की मैप देखो आप, यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन कौन सा स्टेट है, ये 0 डिग्री है हमारा, ये 0 डिग्री है, बोल रहा कि कौन कौन सा स्टेट, गुजरात है ना, गुजरात है हमारा, राजस्थान है, राजस्थान के कुछ पार्ट को टच करता है, उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश है ना, उसके बाद स्टूडेंट हमारा छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है हमारा, उसके बाद हमारा वेस्ट बंगाल है ना, और उसके बाद हमारा देखो ये त्रिपुरा है, यहाँ से त्रिपुरा, उसके बाद हमारा मिजोरम, ये 8 स्टेट से जो है पास करती है। और इसके लिए हम लोग शॉर्ट में जो है एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आर, ऐसा लिख सकते हैं आप, जैसे याद रख लो आप, गुजरात, राजस्थान, MP, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, है ना। और हमने आपको बताया क्या कि हर ये जो लाइन जो है ना, जो आपका जिस लाइन की बात कर रहे हैं वो लैटिट्यूड का जो है, लैटिट्यूड क्या है, एक दूसरे का क्या है, एक पैरेलल होता है, और हर लाइन का जो है हमारा, हर लाइन का अगर डिस्टेंस की बात करें तो आपको एक 111 किलोमीटर, और एक दूसरे का क्या होगा, ये पैरेलल होगा, याद रखिए, कन्फ्यूज नहीं होना है। 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 111 किलोमीटर, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 30 मिनट, है ना, इसे इसको याद रखिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे इसका जो है हमें जरूर पड़ेगा। अब देखो आइलैंड ग्रुप हमारे यहाँ कौन कौन सा है, साउदर्न ईस्टर्न साइड, क्योंकि इंडिया में क्या साउदर्न ईस्टर्न साइड कौन सा है हमारा, ये नॉर्दर्न साइड, ये साउदर्न साइड, है ना, ये हमारा ईस्टर्न, ये हमारा वेस्टर्न। तो बोल रहा है कि साउदर्न ईस्टर्न साइड, तो साउदर्न ये और ईस्टर्न इधर, है ना, तो साउदर्न ईस्टर्न में हमारा क्या है, अंडमान दिखाई दे रहा है, अंडमान और निकोबार, ये कहाँ पर है, ये तो बे ऑफ बंगाल में है, कहाँ पर है, ये बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद साउदर्न वेस्टर्न, ये साउदर्न, ये हमारा वेस्टर्न, साउदर्न वेस्टर्न में क्या है हमारा, लक्षद्वीप है ना स्टूडेंट, एक्चुअली लक्षद्वीप को हम लोग जो है पहले लक्कड़ टाइप के नाम से जाना जाता था, लक्कड़ टाइप, और ये इसको बताया जाता है क्या कि ये कोरल रीफ है, ये जो है हमारा कोरल रीफ है, मीन्स क्या कि वो आपका डिकिंग पार्ट्स ऑफ है एनिमल्स से जो हमारा इसका अवशेषों से क्या ही हमारा बना हुआ है। उसके बाद बोल रहे हैं कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यहाँ देखो साउदर्न जो मोस्ट पॉइंट है हमारा, ये आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट है, लेकिन अब ये इंदिरा पॉइंट जो क्या हुआ था 2004 में जो है ना, वो आपका सुनामी के कारण जो है आपका इंडियन ओशियन में क्या किया, सबमर्ज कर गया,
है ना। अब हम बात करते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है ना। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है, अब याद रखना कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो हमारा क्या नाम है, इंदिरा कोल। नॉर्दर्न मोस्ट का क्या नाम है हमारा स्टूडेंट, इंदिरा कोल, याद रखना। नॉर्दर्न मोस्ट का जो है पंडित इंदिरा कोल, है ना। तो आपसे पूछेगा कि ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारा साइड हो गया कौन सा, ईस्टर्न साइड। तो आपको पूछेगा कि ईस्टर्न साइड का कौन सा है हमारा ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे क्या, किवीथू। किवीथू अरुणाचल प्रदेश में ही है। वेस्टर्न मोस्ट कोई आपसे पूछेगा कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो उस केस में क्या बोलेंगे आप, सरक्रिक। सरक्रिक तो पूछेगा आपको साउदर्न का, साउदर्न मोस्ट का, तो आपका ऑलरेडी मैं आपको बताया कि ये इंदिरा पॉइंट है ना, जो आपका 2004 में जो है वो सबमर्ज कर चुका था। तो ये अभी तक हम लोग जो ने है स्टूडेंट जो आपकी क्लास बुक में पढ़ना था, एक दो टॉपिक जो था उसको हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया, उसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि वर्ल्ड किसके अनुसार देखा, हमने लोकेशन के अनुसार देख लिया है ना कि इंडिया जो है, अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया जो है हमारा वर्ल्ड के मैप में किस पोजिशन पे है, तो आप ये नहीं बोल देना कि एशिया में है, आपका राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, जस्ट या उसके ऊपर है। पोजिशन मीन्स के एग्जैक्टली है ना, जो आपका एक इमेजिनरी लाइन है ना 0 डिग्री इस तरह करके जो है हमारा लाइन जो बना हुआ है उसके अनुसार आपको बताना है। और मैं आपको ऑलरेडी बता दिया क्या कि इंडिया एक हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, और ईस्टर्न साइड है हमारा। अगर लैटिट्यूड के अनुसार देखते हैं तो आपका ईस्टर्न साइड ऐसे देखते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना। और उसी तरह से हमने ये भी देखा क्या कि जो अदर कंट्री जो है, तो मैं आपसे पूछा कि ऑस्ट्रेलिया किस में है, तो देखो यहाँ पर 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये हमारा जो है एक 0 डिग्री है। और कोई डाउट ही बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो है कि 0 डिग्री हम मेजर करेंगे और बताएंगे क्या कि ऑस्ट्रेलिया एक हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में है। किसमें, साउदर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना। अफ्रीका किसमें, देखो अफ्रीका का एक पार्ट जो है हमारा साउदर्न में आता है, एक नॉर्दर्न में आता है। कोई आपसे पूछे कनाडा किसमें, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यूएसए किसमें, तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना। 0 डिग्री से जितने सारे ऊपर है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर है ना, उसके अनुसार हम देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग स्टूडेंट देखने वाले हैं साइज के अनुसार। साइज के अनुसार बोल रखे कि टोटल एरिया जो है हमारा ना वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इसका, इंडिया का है ना। और ये बताया जाता है क्या कि 24% जो है वर्ल्ड का जितना जो एरिया है ना उसके 24% जो है इंडिया अपना लैंड शेयर करता है। उसके बाद जो बोल क्या कि अगर हम लोग एरिया के अनुसार देखते हैं तो सबसे पहला किसका कंपेयर, रशिया। रशिया मैप में कहाँ पर है, अब देखो रशिया कहाँ है, यहाँ है ना। कनाडा, कनाडा कहाँ है, तो यहाँ है, सेकंड पोजीशन कनाडा का है। थर्ड यूएसए, तो यूएसए कहाँ, यहाँ पर है। चाइना कहाँ है, तो चाइना हमारा यहाँ पर है। ब्राज़ील कहाँ है, देखो ब्राज़ील हमारा कहाँ पर आएगा, ब्राज़ील से कितना, ब्राज़ील देखो ब्राज़ील, ये ब्राज़ील का है। उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया देखेंगे कहाँ पर है हमारा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है ना। उसके अनुसार उसके बाद जो है हमारा जो एरिया के अनुसार हम लोग देखते हैं तो इंडिया का जो है पोजीशन आता है ना। अब स्टूडेंट हम देखते हैं जब कोई आपसे पूछे कि लैंड बॉर्डरिंग कितना है हमारा, तो बोलोगे क्या कि 15,200 किलोमीटर। कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन इसकी बात कर रहा है, कोस्टल लाइन किसकी बात कर रहा है, इसकी, ये कोस्टल लाइन है हमारा, ये कोस्टल लाइन है नहीं, तो ये कोस्टल लाइन जो है ना, और सबसे बड़ा जो कोस्टल लाइन है वो गुजरात का, याद रखिए क्वेश्चन आता है लॉन्ग, सबसे बड़ा कोस्टल लाइन किसका है, तो बोलोगे गुजरात का। तो ये सारे जो है कोस्टल लाइन है हमारा, तो कोस्टल लाइन कितना है हमारा, वो 7,516.6 किलोमीटर। लैंड बॉर्डर किसका, लैंड मार्क कितना है हमारा, तो 15,200 किलोमीटर। तो ये पार्ट हमारा पेनिनसुलर, पेनिनसुलर भाग है नहीं, ये हमारा पेनिनसुलर है, कहने के सिर्फ पेनिनसुलर क्या है, किसको बोलते हैं, जो थ्री साइड जो हमारा वाटर से क्या होता है घिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या होता है, दिस साइड दिस साइड दिस साइड, ये थ्री साइड वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए हमारा ये पेनिनसुलर है। और यही हमारा रीजन जो है प्लेटो भाग है। ये देखते हैं हमारा स्टूडेंट की माउंटेन साइड है, ये माउंटेन का है ना, ये हमारा प्लेटो रीजन है, ये हमारा डेक्कन प्लेटो का रीजन है। और बताया था कि स्टूडेंट के टाइम टेबल को भी जो अफेक्ट करने में माउंटेन है ना, प्लेटो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट जो है वो आपका काम आता है।
एक क्वेश्चन इसे बार बार पूछी जाती है स्टूडेंट की, अगर जो है अरुणाचल प्रदेश, देखो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ के, अरुणाचल प्रदेश में के कंपेयर में गुजरात में जो है सनराइज जो है 2 घंटे बाद होता है, इसका कारण क्या है? अरुणाचल प्रदेश के कंपेयर में गुजरात में जो है सनलाइट जो है 2 घंटे बाद होता है, क्यों? क्योंकि हमने इसका हम पोजिशन याद रखेंगे, जिसके पोजिशन के अनुसार ही हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टे आपका आपका जो है कितने घंटे का डिस्टेंस है, कितने घंटे का? 2 आवर्स का। तो हम जानते क्या है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट, जब है ना, तो उसके अनुसार जो है हमारा कितना 30 डिग्री का डिफरेंस है यहाँ से और यहाँ के बीच में, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है ना। तो 1 डिग्री इसका टू कितना होता है? 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री इसका टू कितना हो जाएगा? 30 × 4 इसका टू 120 मिनट, मीन्स क्या? 2 आवर, जिसके कारण जो यहाँ और यहाँ का सनराइज में जो है 2 घंटे डिफरेंस देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप याद भी रखिएगा। तो स्टूडेंट ये एक स्मॉल आपका डिस्क्रिप्शन था इस चैप्टर से रिलेटेड, और भी जिसका जो रिमेनिंग जो पॉइंट्स है इसको हम स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो